रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर की करेंगे इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, जो भी पेनी स्टॉक रहता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि सस्पेंस तो बना ही रहता है और साथ में रिटर्न भी बड़ा तगड़ा मिलता है। लेकिन जब नुकसान होता है तो कोई किसी से बता भी नहीं पाता कि भाई हम इस पेनी स्टॉक में नुकसान करके बैठे हुए हैं, बल्कि दूसरे को और फंसाने के लिए हम लोग कह देते हैं, अरे बड़ी बढ़िया स्टॉक है, लीजिए ना, बड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम करेंगे इस वीडियो में इसकी फंडामेंटल एनालिसिस, और हम जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल और साथ में इंट्रेंसिक वैल्यू भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि आने वाले टाइम में इसका टारगेट 20 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो आप वैसे फ्रॉड से आप बच सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो बात करें तो यूटिलिटी सेक्टर में काम करती है जो पावर जनरेशन की, और स्मॉल कैप है जिसकी मार्केट कैप 3000 करोड़ के करीब में पहुँचती है। 762 इसकी रैंक है फिलहाल एनएससी और बीएससी के ऊपर, और जो इसकी पी रेशियो है वो निगेटिव में है। तो हम ये कह सकते हैं ये बिलो एवरेज जो वैल्यूएशन होता है उस पर बैठे हुए हैं। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू पे जाएं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की रेवेन्यू कम हो रही, और साथ में इनकम को देखें तो इनकम में भी गिरावट है, साल दर साल हमेशा निगेटिव में इसकी इनकम दिख रही है। कंपनी अगर बैलेंस शीट पे जाएं तो बैलेंस शीट में ये देखेंगे कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो हमको ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में ये समझ में आ रहा है देखने पर कि कंपनी के पास एसेट्स कम हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, और लाइबिलिटीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है कंपनी के साथ साथ। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी के ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है एज कम्पेयर टू इट्स एसेट्स। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के वैल्यूएशन और इसके कॉम्पिटिटर, तो NTPC हो गई, अडानी पावर हो गई, JSW एनर्जी हो गई, इन सब में जो सबसे बिलो एवरेज वैल्यूएशन पर बैठा हुआ है वो रतन इंडिया पावर लिमिटेड ही है। खैर, इसकी जो स्टेक होल्डिंग है वो काफ़ी दिलचस्प है, और उससे पहले जो इसके कैश फ्लो चार्ट है वो भी दो चीज़ ऐसे हैं जो कि इसको स्पाइक दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहा है, और कैश फ्लो आ रहा होता है ना तो कंपनी अपने डेट को, अपने लाइबिलिटीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेती है, फ्यूचर ग्रोथ पर काम कर लेती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिल रहा है। और दूसरी तरफ इसकी जो स्टेक होल्डिंग है, आप देखेंगे पहले इसकी मेजर स्टेक जो थे, जो प्रमोटर्स रखे हुए थे, वो प्लेज करके पैसे उठाए हुए थे, लेकिन जून क्वार्टर 2023 में कंपनी ने सारे प्लेज किए हुए स्टेक्स को वापस लेके अनप्लेज कर दिए हैं, और जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं इसमें स्टेक नहीं लिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 7.25% की शेयर होल्डिंग है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ना मात्र के बराबर है, लेकिन जो मेजर स्टेक्स है वो रिटेलर्स के पास है। जो इसकी ड्रॉबैक भी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगा, ऑपरेटर लगते हैं इसके अंदर तो बहुत आसानी से इसको ऑपरेट कर लेंगे। ऊपर से पेनी स्टॉक है तो ऑपरेट करना उतना ही आसान। कैसा लगा आपको ये स्टॉक? वैसे तो ये डिविडेंड देती नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक है नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढी जाती है, ना कि बिलो एवरेज वैल्यूएशन पे बैठी हुई कंपनी। तो कैसा लगा आपको स्टॉक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।